हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी चीज़ को लेकर लोगों का अलग अलग नज़रिया हो सकता है। हमें दूसरे व्यक्ति को सही या गलत साबित करने से पहले उसके नज़रिए के बारे में जान लेना चाहिए। इससे हमें पता लग जाएगा कि वो इंसान सही है या फिर गलत। इसी बात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी पीछे से दो बच्चों के आपस में झगड़ने की आवाज़ आई। तो मास्टर जी ने पूछा कि तुम लोग आपस में इस तरह क्यों झगड़ रहे हो? तो राहुल ने कहा, सर अमित अपनी बात को लेकर अड़ा है और मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। अमित ने कहा, नहीं सर, राहुल जो कह रहा है वह बिल्कुल गलत है, इसलिए उसकी बात सुनने से कोई फ़ायदा ही नहीं। और ऐसा कहकर वो फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और तू मैं करने लगते हैं। मास्टर जी ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, एक मिनट, तुम दोनों यहाँ मेरे पास आओ। राहुल तुम डेस्क की बाईं ओर बैठो और अमित तुम दाईं ओर बैठ जाओ। इसके बाद मास्टर जी ने अपने कवर में से एक गेंद निकाली और डेस्क के बीचों बीच रख दी। मास्टर जी बोले, राहुल तुम बताओ ये गेंद किस रंग की है? राहुल ने बोला, जी सफ़ेद रंग की है। मास्टर जी बोले, अमित अब तुम बताओ ये गेंद किस कलर की है? तो अमित ने बोला कि ये तो काले रंग की है। दोनों ही अपनी जवाब को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे कि उनका जवाब सही है, और बार बार वे गेंद के रंग को लेकर एक दूसरे से फिर से बहस करने लगे कि ये काले रंग की है, एक कह रहा था ये सफ़ेद रंग की है। मास्टर जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, ठहरो, अब तुम दोनों अपने स्थान बदल लो और फिर बताओ कि गेंद किस रंग की है। दोनों ने ऐसा ही किया, पर इस बार उनके जवाब भी बदल चुके थे। राहुल ने गेंद का रंग काला तो अमित ने गेंद का रंग सफ़ेद बताया। अब मास्टर जी गंभीर होते हुए बोले कि बच्चों, ये गेंद दो रंगों से बनी है। जिस तरह एक जगह से देखने पर काली और दूसरी जगह से देखने पर सफ़ेद दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर चीज़ को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जिस तरह से आप किसी चीज़ को देखते हैं उसी तरह से दूसरा भी उसे देखे। इसलिए कभी हमारे बीच विचारों को लेकर मतभेद हो तो ये न सोचें कि सामने वाला बिल्कुल गलत है, बल्कि चीज़ों को उसके नज़रिए से देखें और उसे अपना नज़रिया समझाने का प्रयास करें। तभी आप एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं और खुशहाली के साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।